पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रचार करने पंजाब के फरीदकोट पहुंचे। मंच से अपने संबोधन में रक्षा मंत्री ने कहा, वो फरीदकोट में पहली बार किसी सभा को संबोधित करने के लिए आए हैं। पंजाब में पहले भी वो कई सभाओं को संबोधित कर चुके हैं, लेकिन इस बार जो लोगों का समर्थन मिल रहा है उससे लग रहा है कि इस बार भाजपा गठबंधन की सरकार बनेगी। जनसभा को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पार्टी पर, आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। रक्षा मंत्री ने कहा, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की हर गली में शराब की दुकानें खोली हैं और पंजाब को नशे से मुक्त करने का वादा किया है। बीजेपी राज्य से ड्रग्स और आतंक को खत्म करने के लिए काम करेगी। हमारी सरकार बनने के एक साल बाद आप यहां का परिणाम खुद देखें। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए राजनाथ सिंह ने कहा, कांग्रेस के मुख्यमंत्री के बारे में विचार करता हूँ तो मुझे लगता है कि ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनका नियंत्रण अपनी सरकार पर नहीं है। कांग्रेस के मुख्यमंत्री की हालत वैसी है जैसे बिना सैनिकों वाला कोई सेनापति हो। ऐसा लगता है जैसे इनको किसी का समर्थन प्राप्त नहीं, कांग्रेस आपस में ही लड़ रही है, गांव बसा नहीं, लुटेरे सक्रिय हो गए। ये हालत कांग्रेस की है। आपको बता दें, पंजाब में एक चरण में 20 फरवरी को वोटिंग होनी है और इनके नतीजे 10 मार्च को सामने आ जाएंगे। नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन की रिपोर्ट।